अच्छा जी, रोमेटॉइड और आर्थराइटिस डिवाइड बता आर्थराइटिस। दें। ये है कि लिखा है जिसमें? ये जो होता है ये ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, और ब्लड जो ये फट जान जो आर्टरीज होती हैं ब्लड की मुख्तलिफ एरिया में फटना शुरू हो जाती हैं, किडनी की फटना शुरू हो जाती हैं, और वहां से ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है सूजना शुरू हो जाता है, जिसमें लिवर सूज जाता है, उसका ALT बढ़ना शुरू हो जाता है, और कोरोनरी आर्टरीज जो दिल की आर्टरीज हैं वो सूजना शुरू हो जाती हैं और तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिस और टांगों के हिस्से जो ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। इसमें यही होता है कि वो अपना खाना पीने में जो ऐसे नींबू हो गया, अचार हो गया, सिरके की बनी हुई चीजें, ज्यादा नमक ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आर्टरीज फट रही हैं उनकी। दूसरी बात यह है कि खून साफ करने के लिए थूजा, कार्डस और बेवरेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी प्रोटीन जो है ब्लड पेशाब के जरिए से खारिज हो। और हेमामालिस है जिससे की वजह, क्योंकि ये आर्टरीज फटती हैं तो वेरिकोसेस वेन बनना शुरू हो जाती हैं टांगों के अंदर, और टांग नीली रंगें शुरू हो जाती हैं, और पैर और जो टखने जो हैं वो सूज जाते हैं, पानी जिस्म में भरना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ आर्थराइटिस या वो नहीं होता, अगर जिसको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस आम फहम में जो विटामिन डी की कमी की वजह से उंगलियां दर्द करती हैं तो डॉक्टर उनको भी आर्थराइटिस शो कर देते हैं। ऐसी खवातीन जिनके या ऐसे हजरात जिनके उंगलियां दर्द करती हैं, कलाइयां दर्द करती हैं, वो अपने खाने में लेमन का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उनको चाहिए कि अपने ब्लड को लेमन से ना धोएं, उसकी जगह पर अगर वो एक बार विटामिन डी लो हो गया है तो वो लिवर सूज जाता है, तो इसलिए उनको चाहिए कि दूध के अंदर ऑलिव ऑयल का बड़ा चम्मच डालकर वो उसको पिए, और जो कार्डस मरियानस है उसका इस्तेमाल बेदरेक करते रहें। ठीक।